आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जो जैसी मखलूकात को पैदा फरमाने वाला इनमें अजीब व गरीब अफाल व अख्वास रख रहा है। हाँ जी हाँ जी भैन बेहतरीन बन जाती है। अच्छा उस्ताद जी है विचू ए लांदे की होवे भाई? ये कचरा नहीं कर रहे। कचरा? हां जी। अच्छा अच्छा ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋ ਅੰਦਰ ਬਲਾਵਾ ਕੋ ਛਾਵਾ ਛੁਮਾ ਕੀੜੇ ਕੋ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਕਿਥੋਂ ਆਂਦੀਆਂ ਜੇ? ਇਹ ਭਰੋ ਕੀ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਪਿੰਡੇ। ਅੱਛਾ ਟੱਠਾ ਪਿੰਡ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜ ਚ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਡੌਲੇ ਇਹਨੂੰ ਡੌਲਾ ਮੱਛੀ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਡੌਲਾ ਮੱਛੀ। ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੀ ਕਿਸੇ ਮੱਛੀ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ठीक है, सियाने आंदे ने कि ए परनाले जो पानी वगदा होवे ना जी गल है ते एक कोठे ते चढ़ जांदी है। चढ़ जांदी ते कई वार देखया भी चढ़दी। हां जी ठीक है, फड़ना से कोई बंदा नहीं हुंदा। हां अच्छा हुन गल आऊं है, इनु शोरबे ले पका के खाओगे? नहीं तल के, तल के खावांगे पकौड़ा बना के, ज्यादा मजा देंदी है। हां जी अच्छा ठीक हो गया। ए तुही भाजी चने लांडे होए दे? ठीक हो गया, वाह क्या बात है। तब नहीं तो मुनू आज सालन मिले कड़ा ही था। ਅਸੀਂ ਸਾਲਨ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੁਨੂ 10 ਕਿਲੋ ਮੱਛੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਉਹ ਦੇ ਦੇ ਆ ਲੈ ਲਓ, ਐਦਰ ਅਜ ਤੇਰੀ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਰਿਓ। ਹਾਂ ਜੀ ਸਿਰੀਆਂ ਲਾਈ ਹੋਏ। ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਲਾ ਸਿਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਖਾਓ। ये तमाम के तमाम जी सूप बनेगा ये बड़ा बढ़िया। ये तमाम के तमाम मेरे बचपन के दोस्त हैं, तो मुझे मछली देने के लिए ज़रा परेशान है, लेकिन राजी हो जाएंगे आस्ता आस्ता। अच्छा भाजी मैं तो अंजी लैके जावगा थोड़े को, भावें लड़के लैके जावा। छापर लिया तुम पा दिए सरी छे मिनट नहीं लगने। भाजी पढ़ ला डे? अचानक मैं आ गया मछियां, मेरा दिल इत घूम हो गया। मैं मछियां खा के जावा, कुछ मैं तो नहीं जाता। अद्धी रात नूं खा के जा रही करके कट रहे समान कटिया। ठीक है, मच्छी साफ हो गई, हुण पकौड़ा बनेगा। ठीक है हाँ जी। ये तमाम मेरे दोस्त हैं बचपन के, इसलिए ये मेरे साथ मजाक भी करते हैं, लेकिन मैं आपको इनकी फादियत बताऊं। इन मछली की ये जो मछली की किस्म है आम जोड़ों तालाबों में ये बकसरत जो है पैदा होती है, और आम जोड़ तालाबों से ये बकसरत मिल जाती है। लेकिन कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग फरमाया करते थे कि जितनी ताकत इसके गोश्त में है, इस मछली में है, किसी दूसरी मछली में नहीं। ज़्यादातर ये गंदले पानी में होती है ये मछली जो है ज़्यादातर,
तो ये आप देख रहे हैं ज़्यादातर ये मछली जो है गंदले पानी में होती है, यानी जोहर तालाबों में होती है, साफ पानी में ये मछली। गंदा पानी तालाबा पानी यानी गंदा पानी होता है? गंदला पानी। गंदला पानी नहीं, गंदला कहते हैं उर्दू में। अच्छा हाँ, ये ज़्यादातर गंदले पानियों में ये मछली पाई जाती है, जोहर तालाबों में। इसका सूप जिसको इसका सूप इस्तेमाल करने से नाज़रीन करम दिल दिमाग को बेइंतहा ताकत मिलती है, तमाम रीही व बलगमी अमराज को दूर करने में खास इसको नामवारी हासिल है। हमारे जो इलाके हैं यहाँ के बैकवर्ड इलाके, उनमें ये बकसरत पैदा होती है जोहर तालाबों में, और लोग इनको बकसरत इस्तेमाल करते हैं। तो ये कल परसों एक मुंडे ने जुतियां भरवाईया ने एक बंदे को, तो वो खुसरिया पीछे जांदे इससे को पईया। ये जो नाले को भरवाईया, ये जो मछली है जिसको डोला मछली कहते हैं, ये नाज़रीन इकराम बड़ी लाजवाब मछली है, जो कि बदन इंसानी को ताकत पहुँचाने के लिए और तमाम अज़ाई रिश्ते को ताकत बख्शने के लिए ये मछली एक लाजवाब चीज़ है। तमाम अज़ाओं में बिजली सी लहर दौड़ती है और तमाम किस्म के बलगमी बारिशी अमराज दूर करने के लिए ख़ास इनको नामवरी हासिल है। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पज़ीराई देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।